अरे मैं तो 5:45 बजे से बैठ के वहाँ चौक में बैठा हूँ। ठीक है, तो संजय को बोला हूँ केबल लाने, देखता हूँ। वायरलेस वाला कहाँ लगेगा इसमें केबल, वो ऑडियो देखता हूँ मंगाया अब एक ही। हाँ ये नीला वाले को देखो, नीला वाले को, नीला वाले को ऐसी है। नहीं नहीं नीला वाला नहीं होगा, बस रायपुर छत्तीसगढ़ ऑन दिस वर्कशॉप ऑन योगा फॉर हेल्थी लिविंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज यह 4 दिवस योगा फॉर हेल्थी लिविंग वर्कशॉप के आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह आयोजन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस एंड ऑटोनॉमस सेंटर ऑफ UGC एंड पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आज के इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित समस्त गणमान्य जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस पर्ट एडिशन आई रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड अदर डिग्निटरीज ऑन द डाइस फॉर लाइटिंग द लैम्प इन फ्रंट ऑफ गॉडेस सरस्वती। मैम सर घूम, लेकिन पानी जो निकल गया वोट बराबर सही हो गया, वो अब पानी इधर नहीं होगा, पानी नहीं बेटा उसको पानी है ना, पानी निकाल पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे।
चौक पड़ेगा वहां से राइट सीडी अगाचे सर विद अ फ्लावर पॉट मैम हमने देखेंगे इधर एक मिनट वेट वेलकम आवर रिस्पेक्टेड कन्वेनर प्रोफेसर राजीव चौधरी सर विद अ सर सामने थैंक यू मैम ने योग एवं अल्टरनेटिव थेरेपी में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किए 2021 में आपने योग में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की आपने 200 घंटे का योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी पूर्ण किया वर्तमान में आप एम्स रायपुर में योग चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं नाउ I request our respected head of the department, Professor C.D. Agassi, sir, to speak a few words about today's workshop. Vice Chancellor, AIIMS, Raipur se padhare hamare experts. Music ko to band karwa do. Saath hi saath, Professor Rita Venugopal Madam, is कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रोफेसर राजीव चौधरी सर शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला चूंकि ये वर्कशॉप हेल्दी लिविंग से संबंधित है तो मैं यह आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि इससे संबंधित कार्यक्रम हमारे विभाग में लगातार जारी रहते हैं योग से संबंधित ये वर्कशॉप लगातार पिछले 5 वर्षों से यूजीसी के द्वारा प्राप्त फंडिंग पर बेस तो होते ही हैं इसके अलावा हेलो आ जाओ अंदर हमारे यहाँ इधर ही आओ ना इधर कोचिंग कैंप या इससे संबंधित स्पोर्ट्स एक्टिविटी से संबंधित कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं क्योंकि इसका संबंध हेल्दी लिविंग से है और कल जब हमारे एक महीने के कोच कैंप का समापन हुआ तो इसमें से काफ़ी
पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर भी थे, पेरेंट्स भी थे, और जब बात हुई तो हमने दो चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया हुआ है। एक, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो हेल्दी रहे। अगर आपको नेशन का डेवलपमेंट, जब हम उसकी उन्नति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो जब 140 करोड़ का हो तो उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि WHO की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 35% पॉपुलेशन या तो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का शिकार है, और इस 35% को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 50 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या इसमें आती है, और प्रतिदिन हम मिनिमम में 5 रुपए की भी मेडिसिन लेते हैं। जेनरिक मेडिसिन पर भी अगर आप जाते हैं तो 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लीजिए, आपके मोबाइल के डिजिट्स दिखाने बंद कर देंगे, इतना बड़ा अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन होना चाहिए, और प्रिवेंशन के लिए ये विभाग लगातार काम करता है। हमारा सबका प्रयास है, इस विभाग का प्रयास है कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे मेडिसिन तक जाने की नौबत ना आए, और हमारा जो सिटीजन है वो हेल्दी रहें। मैं आप सबका इस विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, और आप लोगों का सहयोग कार्यक्रम में इसी प्रकार बना रहे इसकी अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। Now I request our honorable Dr. Hemlata Shukla ma'am to bless us with her wisdom. Good morning. अरे बड़ी धीमी आवाज आई। Good morning dear students and the young minds present here. फिर से बोलिए good morning. वेरी गुड। अब लगा कि हम फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है। जब ये मैदान भरा होता है बच्चों से तो जो खुशी होती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता है। अगर मैदान सूने पड़े रहे और इतने बड़े विश्वविद्यालय का मैदान सूना पड़ा रहे तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ दे जाता है। तो मैं वैसे सौभाग्य है, विश्वविद्यालय का प्रयास है आप सभी का, जिसकी वजह से ये मैदान पूरे दिन शायद फुल रहता है स्टूडेंट्स से, जो मैं आते जाते धीरे धीरे ऑब्जर्व करती रहती हूँ, चाहे वो दोपहर का समय हो चाहे वो सुबह का समय हो। मैं जब शुरू शुरू में आई थी तो मैंने आपसे कहा, वाइस चांसलर महोदय से, कि यहाँ दिन में भी लोग वॉक करते हैं, हमारे तरफ तो सुबह सुबह ही करते हैं। तो ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, खास करके जब हमारा यूथ, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है भविष्य में देश की, वो जुड़ता है फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम से अपनी फिजिकल हेल्थ को सही करने के लिए, तो मुझे अपार खुशी होती है। आजकल होलिस्टिक डेवलपमेंट में 5 बिंदु होते हैं, उसमें एक फिजिकल हेल्थ भी है आपकी। आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आप दिन भर अपना काम सही कर लेंगे। एक छोटा सा टिप था, किसी बड़े टीचर ने दिया था, मुझे दिया था, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, कि हम सभी अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं हमको थोड़ी देर के बाद नींद आने लगती है। तो उन्होंने ये कहा कि आप 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, आपकी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी। तो जीवन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है त-
तभी आप कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए योगा अति आवश्यक है, ये आपको अपने कल्चर से जोड़ता है, ये भारत की एक विशेष पहचान है जिसको पूरे विश्व ने मान लिया है, जिसका लोहा मान लिया है। तो हम इससे अछूते क्यों रहें? हम हर यहाँ तो एक कुंदन कुमार जी आए हैं, हम चाहेंगे इस विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी कुंदन कुमार जी की जगह ले ले, जिससे उनकी भी नौकरी खतरे में पड़े थोड़ी। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप पूरे कैंप में और भविष्य में इस योगा की लेगेसी को कैरी करते रहे, इसी की शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, चौधरी सर, सी डी अगासे सर, वेणुगोपाल मैम जी, और उनका सबका धन्यवाद। और स्वागत है कुंदन कुमार जी का, और सारा श्रेय दोहरा प्रणाम कह सकते हैं माननीय कुलपति जी का। एक प्रणाम तो इसलिए कि वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, दूसरा प्रणाम इसलिए कि वो हमारे परिवार के भी कुलपति हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिदानंद शुक्ल सर टू ब्लेस अस विथ हिज वाइस वर्ड्स। धन्यवाद आदरणीय योगा प्रशिक्षक कुंदन कुमार जी। इस योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर चौधरी, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर अगासे, एडवाइज़र प्रोफेसर वेणुगोपाल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, योगा एक ऐसा विषय है जिसमें भारत की पहचान सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है, इसमें कोई डिबेट आज की तारीख में नहीं है। बाकी जो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैडम बोल चुकी हैं, तो मैं उसको बार में रिपीट नहीं करूँगा। अभी ये चार दिन का कैंप है, इसके बाद फिर एक लगभग 12 दिन 8 दिन का एक कैंप और लगने वाला है। और मेरी प्रबल इच्छा है कि ये जो योगा एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ छोटे छोटे कैंप्स तक सीमित न रहें, और ये किसी भी तरीके से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रेगुलर एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हों। मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट के बच्चे और जो प्रोफेसर्स हैं वो एक टीम के रूप में कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं, प्रयास करते हैं, और शायद यही वजह है कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं और कुछ नया आगे करने वाले हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये भी इस डिपार्टमेंट का एक इनिशिएशन है जो पहली बार ट्रायल के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया गया। मेरा अपना ये मानना है कि विश्वविद्यालय के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतनी सुविधाएं होती हैं, इतने स्किल्ड प्रोफेसर्स और मेच्योर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, लेकिन उसका कोई लाभ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो हम पहुँचाते हैं समाज तक, लेकिन डायरेक्टली हम कैसे पहुँचा सकते हैं, इस विषय के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए, और जितना भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सके उसको करना चाहिए, और शायद उसी दिशा में ये कदम था। और निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा कैंप अभी जो था वो उसको अटेंड किया है, हाथ उठाइए। वाह, नहीं वो वाली बिटिया नहीं है लगता है। बहुत बहुत अच्छा। इस योगा कैंप में स्पेशली देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी सिटीजन्स हैं, है ना, जो कि हमें लगता है कि इन बच्चों के या तो गार्जियंस होंगे या फिर जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं यहाँ पर वो होंगे। तो अगर ऐसे लोगों को हम विश्वविद्यालय के किसी न किसी कंपोनेंट में इंक्लूड कर पाते हैं
तो मुझे लगता है कि शायद विश्वविद्यालय की जो परिभाषा है और जो विश्वविद्यालय से अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक होती हैं। मैं बहुत बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके के कार्यक्रम हैं उसमें तुरंत ही एक्शन में आना चाहिए, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा स्किप करना चाहिए, बट एक ट्रेडिशन चला आ रहा है तो मैं भी उसका पार्ट बन जाता हूँ। लेकिन ये तय है कि जो हमारा कमिंग सेशन है उसमें जो पोटेंशियल है इस डिपार्टमेंट का, उस पोटेंशियल के अकॉर्डेंस में हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मिनिमम फीस पे करके आप मैक्सिमम उसका लाभ ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम फीस, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर हम प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे। और इससे पहले जहां पर मैं प्रतिकुलपति हुआ करता था अयोध्या विश्वविद्यालय में, वहां पर भी हमने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और सोसाइटी से यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने का प्रयास किया था, और उसका परिणाम ये है कि वो ऐसे प्रोग्राम है जो आज की तारीख में यूनिवर्सिटी के फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरीके से जाने जाते हैं। मेरी अपेक्षा है इस डिपार्टमेंट से कि अपने पूरे पोटेंशियल के साथ हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें जिसमें कि हम एक वाकई रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सिटीजन डेवलप कर पाएँ, ख़ास तौर से इन छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर हम डेवलप कर पाएँ कि आगे हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है, उसको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमारा नागरिक कैसा होना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से फिट, रिचार्ज्ड एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स और इंस्पायरिंग सजेशंस। We would surely implement your suggestions in our lives. हम सभी चाहते हैं कि आज के इस दिन को यादगार बनाने के लिए यह अध्ययनशाला सभी अतिथियों की स्मृति में बनी रहे। इसके लिए मैं मंचस्य प्राध्यापकों को आग्रह करता हूं कि माननीय कुलपति सर को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इसके पश्चात मैं पुनः मंचस्य प्राध्यापकों को आग्रह करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर हेमलता शुक्ला मैम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं माननीय कुलपति सर से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच उपस्थित रिसोर्स पर्सन श्री कुंदन कुमार सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इसके पश्चात मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आशुतोष राय को सादर इवेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड टू अवर एस्टीम्ड गेस्ट एंड प्रोफेसर्स। थैंक्स टू ऑल एंड पार्टिसिपेंट्स हु मेड द इवेंट अ मेमोरेबल वन। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। थैंक यू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। गुड मॉर्निंग। आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैम ने ऑलरेडी आपको चार्ज कर रखा है पहले से गुड मॉर्निंग बोल के। अगेन गुड मॉर्निंग। यस दिस इज द स्पिरिट, आई लाइक इट। सबसे पहले तो मैं विजी सर मैम, आज के कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है। विजी सर मैम, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजीव सर, और इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आप सभी योगा प्रैक्टिशनर को मैं सब सादर नमन करता हूँ। आप आए, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे, देखिए फिजिकल एजुकेशन और योग बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। हम डायरेक्ट इसको डिसिप्लिन से जोड़ते हैं। और मैं कुछ देर से ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ आगे बैठे बच्चों का मन जो होता है ना, बड़ा स्वभाव से जो है चंचल होता है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन आप शांत होके बैठ गए, यही अपने आप में एक योग है। तो आज की कक्षा योगाभ्यास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हर एक इंसान का अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होता है, आप उसको ध्यान में रखें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बगल में कर रहे हैं, नहीं, आप क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। अपने बॉडी के साउंड्स को सुनने का प्रयास कीजिए। योग यही कहता है, हम आसन करते हैं चाहे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने की बात है, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करने की बात है। ओके समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। तो क्लोज योर आईज एवरीवन। तीन बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण। भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते, संज्ञानाना उपासते। लंबे गहरे श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, दोनों हाथों को जोड़ें, घर्षण करें, रब योर पाम एंड जेंटली पुट ऑन योर फेस। हल्के से दोनों हथेली को अपने चेहरे पर रखेंगे, हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए
आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम से अभ्यास स्टार्ट करेंगे, फिर हम आसन, फिर प्राणायाम, फिर कुछ ध्यान की विधि सीखेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रख लें, धीरे धीरे अपने गर्दन को श्वास लेते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे। ध्यान रहे, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप गर्दन नीचे ना लेके आए, सेंटर पे रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सेकेंड वेरिएशन, गर्दन को बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए लेकर जाएंगे, श्वास लेते हुए गर्दन दाहिनी तरफ और गर्दन पे हो रहे खिंचाव को महसूस करें। दाएं और बाएं गर्दन को लेकर जाना है श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए गर्दन बीच में। नाउ थर्ड वेरिएशन, ट्राई टू टच योर लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर, गर्दन को बैंड करना है लेफ्ट, फिर श्वास ले, जोर नहीं लगाना है, बस अपनी क्षमता अनुसार गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएंगे, फिर वापस आए। फोर्थ वेरिएशन, फर्स्ट टच योर चिन टू द थ्रोट, अपने ठुट्ठी को गर्दन पर लगा लें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज, साथ में घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, और गर्दन पे खिंचाव को भी महसूस करना है। जो नेक स्टिफ रहता है उनमें ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है अभ्यास, बस ध्यान रखना है गर्दन नीचे न लाए सर्वाइकल के दौरान। वापस आएंगे, दोनों हाथ गर्दन पे शोल्डर पे रखें, शोल्डर रोटेशन, पहले दोनों एल्बो को सामने की तरफ टच कर लें, श्वास लेते हुए एल्बो को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन। वेरी गुड, कंटिन्यू शोल्डर रोटेशन, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें सामने, सिर्फ शोल्डर्स को रोटेट करना है, स्कंध चलासन कहते हैं इसे, और उल्टा घुमाएंगे रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम कोई अभ्यास क्लॉकवाइज करें तो उसका एंटी क्लॉकवाइज भी बहुत ज़रूरी है, रिवर्स पोज भी बहुत ज़रूरी होता है करना। धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, उंगलियों को फंसा लें, जितना हो सकता है ऊपर खींचें, हथेली पाम फेसिंग अप, यस एंड लुक अप, फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर देखना है, लुक एट योर हैंड, लुक एट योर पाम, एंड एक्सेल स्लोली स्लोली ड्रॉप योर हैंड। वन मोर टाइम, इनहेल, मैक्सिमम लेंथन योर स्पाइन, अपने पीठ की हड्डी को, मेरुदंड को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुक जाएं। चेंज, स्विच योर पोजीशन, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना है, राइट हैंड अप, अनदर साइड, वेरी गुड। चेंज, अनदर साइड, रिपीट, एक एक बार फिर से इसका अभ्यास करना है। चेंज, अनदर साइड, एक बार फिर से साइड स्ट्रेच एंड वापस आना है। नाउ ट्विस्टिंग, हमेशा ध्यान रखिए जो स्पाइन है ना, बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। अगर आपका हेल्दी स्पाइन है तो आप बहुत सारे बीमारियों से निजात हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है स्पाइन के लिए, फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग, ट्विस्टिंग, ओके। नाउ पुट योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड बैक साइड, ट्विस्ट करना है और पीछे देखना है, फिर श्वास लेना है, बीच में आएंगे।
अनदर साइड ट्विस्ट, पीछे देखेंगे, एक एक बार फिर से इसको रिपीट करना है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए, लेफ्ट हैंड पीछे, रिपीट लास्ट वन, एक बार फिर से जितना हो सके अपने स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए, एब्डोमेन को ट्विस्ट कीजिए और पीछे देखना है, फिर वापस आएंगे रिलैक्स। ओके, थोड़ा सा चार्ज्ड हो रहे हैं हम। ओके, नाउ रेडी फॉर बटरफ्लाई, द फेवरेट आसन सभी का है ये, तो बटरफ्लाई बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे बद्धकोण आसन भी इसको हम कहते हैं, लाइक दिस। अगर आप इसको स्टेडी रखते हैं तो बद्धकोण भद्रासन, और इसको मूव अगर आप करते हैं तो तितली आसन। तो एवरीवन, नीज अप एंड डाउन, कुर्सी पे बैठ के भी इसका अभ्यास किया जा सकता है पैर नीचे रख के। ओके, पीठ सीधी रखनी है, वेरी गुड, नी अप एंड डाउन कंटिन्यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग को करना है, आपकी जो हिप मसल है, पैल्विस है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये आसन आप करें, तितली आसन। कंटिन्यू 10 मोर सेकेंड, बैक स्ट्रेट रखना है, पीठ सीधा रखिए, पीठ सीधा रखना है, गर्दन स्ट्रेट, नी अप एंड डाउन। रिलैक्स, अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अच्छा बताइए, कौन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं? इसके अलावा नहीं पता, सब आसन सब लोग करते हैं ना, खाना खाने के बाद सोते ही है, तो भी आसन है सवासन। चलिए, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, इसका इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन इम्प्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो हाँ, ध्यान क्या रखना है, अगर एंकल इंजरी है, नी पेन है, तो उस वक्त इसको आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं है जिनको नी पेन है, नहीं है ना, गुड, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यहाँ सब हेल्दी है। नी पेन है तो आप सीधा बैठिए मैम, ओके, पैर सीधा रखना है, लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। एक आसन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तान मंडुक आसन, सुना होगा आपने मंडुक, ठीक है, वो अलग है, ये है उत्तान मंडुक आसन। दोनों हाथों को पीछे की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जिनको रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और खासकर देखो, कहते ना एक आसन में दोहरा इफेक्ट, वज्रासन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हमारे शोल्डर का भी एक्सरसाइज हो रहा है ये, गर्दन सीधा रखना है, दिस द उत्तान मंडुक आसन। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स, सभी लोग खड़े हो जाएंगे मैट पे। कुछ हम स्टैंडिंग के पोजीशंस करेंगे, रेडी रेडी, बैक बेंचर, गुड, सो मच जाइएगा खड़े खड़े, पता ना कौन सा होता है खड़े खड़े। चलिए, सभी लोग कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर को रोटेशन करना है क्लॉकवाइज, थोड़ा सा हल्का हल्का मूवमेंट्स अपने कमर के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स, फुल रोटेशन, मेक अ बिगर सर्कल, रिलीज बोथ हैंड एट द शोल्डर लेवल, दोनों हाथ कंधे के बराबर रखिए, हैंड को रोटेट करना है, 1 2 3 4 5, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1, दोनों हाथ कंधे के बराबर ही रखिए, ट्विस्टिंग लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
लंबा गहरा सांस लेना, अगर थक गए हो तो नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। चलिए रिलैक्स। ताड़ासना, जिसकी हाइट कम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर आपने अभी अभ्यास किया थोड़ी देर के बाद हमने हाइट चेक किया, सर आपने तो कहा था हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ मेरे साथ एक वाक्य, सर आपने तो कहा था कि वर्कशॉप में हाइट बढ़ जाएगी, दो दिन बाद हमने चेक किया, उतना ही का उतना ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है और ये एक एज लिमिट तक ही हाइट इम्प्रूव होता है। आप लोगों के लिए अच्छा है, बाकी सबके लिए भी अच्छा है ये। फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, या फिर थोड़ा सा गैप रख सकते हैं अगर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है तो। फिंगर को इंटरलॉक करना है, नीचे की तरफ खींचिए, फिर सांस लेते हुए ऊपर और पंजे पे खड़े हो जाना है। फोकस कीजिए एक जगह पे, होल्ड करना है, वेरी गुड। वन, एक जगह फोकस कीजिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलीज, ड्रॉप योर हैंड, रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ओके, दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप रखना, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक बेंड करना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगर बैक पेन है तो पूरा नीचे नहीं जाएंगे। इफ़ यू हैव बैक पेन देन डोंट गो फॉरवर्ड बेंडिंग कम्प्लीटली, आप हाफ कर सकते हैं, कमर पे हाथ रख के हाफ बेंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फुल्ली गो डाउन, एक्सहेल गो डाउन। Now inhale, both hands raise up and arch back, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाना और श्वास छोड़ते हुए complete down. फिर inhale one more time and exhale go down. Back pain है, half bend करना, otherwise पूरा नीचे जाना, जितना हो सकता है नीचे। फिर inhale up एंड रिलीज। थक गए नहीं, गुड। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, पता है ना कैसे करते हैं त्रिकोण आसन? कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो ठीक है। दोनों पैरों में 4 से 5 फीट की दूरी, दोनों पैरों में 4 से 5 फीट की दूरी, दोनों पैर एक लाइन में होना चाहिए। राइट टोज 90 डिग्री, अपने बाएं पंजों को राइट साइड टर्न करना है। इनहेल बोथ हैंड एट द शोल्डर लेवल, दोनों हाथ पहले बराबर कर लीजिए। सीख के जाना, ऐसा नहीं है कि सर एक अभ्यास करा रहे हैं करके चले जाएं। मैं आपको यहाँ पे ट्रेन भी कर रहा हूँ, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, मतलब जिंदा रहूँगा मतलब यहाँ नहीं रहूँगा। आप लोग सुनोगे कि अरे सर ठीक है, तो फेस पे ऐसे स्माइल बनते रहनी चाहिए। योग कर रहे हैं तो हम स्ट्रेस में नहीं, हम लोग फेस पे इतना मतलब सोचते क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। सर आगे बताओ, यहीं पर रोक के रखोगे क्या? चलिए एक्सहेल करते हुए दाईं तरफ जाना है, राइट टोज की तरफ, एंड लुक अप। दिस इज ओपन पेल्विस पोस्चर, अपने पेल्विस को ओपन रखना है, वेरी गुड। ऊपर देखना है, अपने लेफ्ट हैंड को देखना है, वेरी गुड। बैलेंस बनाओ, ऊपर देखना, होल्ड 5 सेकेंड, वेट वेट वेट, अपने पोजिशन पे होल्ड कीजिए। जिधर पंजे राइट टर्न है उस तरफ ही नीचे जाना है, गुड। ऊपर देखना है, लुक अप, दोनों हैंड्स एक लाइन में, 3 2 1, रिलीज रिलैक्स। सेम अनदर साइड, लेफ्ट टोज 90 डिग्री, टर्न कर लेना, यस, राइट टो सेंटर सामने की तरफ, बोथ हैंड एट द शोल्डर लेवल एंड एक्सहेल गो डाउन। यस, जाइए नीचे एंड लुक अप, अपने राइट हैंड को देखना, होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। मजा आया? हाँ, ये तो कुछ काम का हुआ, कुछ तो शरीर में ऊर्जा आई। अब तो एक एक बार फिर करेंगे, फिर
चलिए राइट साइड एवरीवन, राइट टोस्ट 90 डिग्री, बोथ हैंड एट द शोल्डर लेवल एंड एक्सेल गो डाउन, होल्ड 1 2 3 4, फोकस करना है 5, धीरे धीरे वापस रिलीज, अनदर साइड सेम थिंग, अनदर साइड लेफ्ट साइड, इनहेल एक्सेल गो डाउन होल्ड 1, हाथ को देखना है 2 3 4 5, स्लोली कम बैक, वेरी गुड, अब लेग क्लोज कर लेंगे, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा लेग मसल्स को रिलैक्स करते हैं अपने हाई नी करके, एवरीवन नाउ स्टार्ट हाई नी 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू एंड रिलैक्स। ये जो ट्रायंगल पोज हमने किया ना इससे पहले, वो आपके ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, पेल्विस ओपन करता है, ओबेसिटी आजकल तो सब लोग परेशान है कि सर पेट कम करवा दो, 6 पैक एब्स बनवा दो, और हम करते हैं और अगले तुरंत जाके बाहर ठेला पे जाके पिज्जा बर्गर खाते हैं, इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाहर जाके पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, डोसा व्हाट एवर जो भी आप खाते हो, जंक फूड्स ले रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना अभ्यास, योग अभ्यास या कोई फिजिकल एक्टिविटी का और डाइट का उतना ही इक्वल महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, दोनों पैरेलल चलते हैं, आप एक साइड से जंक फूड ले रहे हो, एक साइड से एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ नहीं होने जाना, फिर वैसे ही का वैसे ही तालाब गंदा ही रह जाना है, सोर्स ख़त्म करना है ना, तो पहले डाइट को भी ठीक करना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए एक बैलेंसिंग पोज करते हैं हम लोग, स्टैंडिंग का ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, बैलेंसिंग ट्री पोज, एवरीवन नोज अबाउट दिस ट्री पोज, देखो अगर नी पेन है तो आप अवॉइड करना, अगर बैलेंस नहीं बन पाता है तो एक बात का ध्यान रखना, देखो वेरिएशन है, या तो नी पे कभी नहीं रखना चाहिए पैर को, या तो नी के जस्ट नीचे रखिए, या तो नी के जस्ट ऊपर थाइस पे रखना, इनर थाई पे, ये भी नहीं कर पाओ तो ऊपर रख लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, फोकस कीजिए एक जगह पे, ध्यान केंद्रित करना है, बिना पलक झपकाए देखना है, आजकल कंसंट्रेशन नहीं बनता बच्चों का, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है, दोनों हाथ को ऊपर, जब बैलेंस बन जाए बिना पलक झपका एक जगह पे देखना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा आपका कंसंट्रेशन है, ये भी चेक हो गया, ठीक है, अनदर साइड सेम थिंग, पुट योर लेफ्ट लेग ओवर योर राइट थाई, इनर थाई, बोथ हैंड रेज, आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, फोकस करना है, बैलेंस बनाइए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, good, release, relax, कुछ हलचल हो रही है शरीर में, कुछ तो हो रहा है सर, आप सही कह रहे हो, कुछ तो हो रहा है। चलिए अब हम कुछ प्रोन पोजीशन के एक्सरसाइज और सुपाइन के एक्सरसाइज लेंगे, तो सभी लोग पेट के बल लेट जाइएगा, तो एडजस्ट कर लेना आगे पीछे पेट के बल, 45 कर लीजिए, आप मैनेज कर लीजिए आगे पीछे जिस तरह से होता है, कर सकते हैं मैं बता दूंगा, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जिनको बैकेड है ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, वैसे बैक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हाँ ये सही है, लेट जाइए,
जस्ट रिलैक्स। हेलो, थोड़ा हाफ टर्न हो जाइए इधर डायगनली, एडजस्ट कर लीजिए आप अपने आसपास। गुड, ठीक है, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रखना, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में। हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। सर आज आप हमें सांप बना ही दो, सारे ये जो जानवर है हमें बना दो। ये जो बड़ा, ये जो आसनों के नाम है ना, आप देखोगे प्रकृति से ही लिया गया है। वृक्षासन लिया हमने, भुजंगासन है ना, ताड़ासन, ये सारे देखो ना प्रकृति से ही लिए गए हैं आसनों के नाम। तो भुजंगासन का अभ्यास, दोनों हाथ चेस्ट के जस्ट बगल में, दोनों पैर को जितना हो सके मिला के रखिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को, शोल्डर को, हेड को ऊपर उठाना है। स्लाइटली फोल्ड योर एल्बो एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, सभी लोग वेरी गुड। होल्ड वन टू, शोल्डर्स ऊपर मत उठाइए, बहुत लोग ना शोल्डर्स ऊपर कर लेते हैं। ओपन योर चेस्ट, गुड, स्लाइटली फोल्ड योर एल्बो, लुक अप, 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 and 5, स्लोली डाउन डाउन डाउन, रिलैक्स। आसनों का अभ्यास सही विधि से करना बहुत जरूरी है। ये बहुत गलत मिथ है कि सर योग का अभ्यास का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अगर आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो मसल्स कहीं पे भी खिंच सकता है, पुल हो सकता है। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराना है। इनहेल, रीच योर शोल्डर अप, हेड अप, ओपन योर चेस्ट, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, release, relax, relax। दोनों हाथ सर के नीचे, गर्दन को slightly bend, दोनों पैरों में gap, मकर आसना, crocodile posture, बड़ा विचित्र बात है ना सर, आज एक अभ्यास में हमें कितने जानवर देखने को मिल रहे हैं, है ना। आप देखो कितने जानवर को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, मतलब होती है आजकल डॉक्टर ये तो हो गए हैं, लेकिन वो लोग नॉर्मली नहीं होता। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, गर्दन नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए बॉडी को, रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर रखना, गैप रखना, लंबे गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। रिलैक्सेशन में हमेशा आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद रखना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना, धीरे धीरे श्वास लेना। एक और प्रोन पोजीशन का अभ्यास है, सलभ आसन। दोनों हाथ अपने थाई के नीचे रखें, गर्दन नीचे रखना। जिनको साइड का रहता है ना, बैकेट रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। दोनों हाथ थाई के नीचे, अगर समझ ना आए तो आप सामने देख सकते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, श्वास लेते हुए गर्दन या चिन मैट पे ही लगा के रखना, जमीन पे ही रखना। धीरे धीरे दोनों पैर को अपनी क्षमता अनुसार, दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाना है, गर्दन नीचे, फिर धीरे से नीचे। चलिए सभी लोग एक बार इसका अभ्यास दोहराइए, श्वास लेते हुए दोनों पैर उठाना है, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना सीधा रखना, वेरी गुड। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे,
सभी लोग नीचे लेके जाएं, सभी लोग नीचे, जब मैं बोलूंगा तब आप उठाना, गर्दन सीधा रखना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, पीछे से दोनों पैर एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड 5 सेकेंड, 1, 2, गर्दन नीचे, 3, 4 एंड 5, धीरे से नीचे कर लीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। मकर आसन 5 सेकेंड, रिलैक्स, दोनों हाथ सर के नीचे, दोनों पैरों में अंतर गैप, लंबा गहरा श्वास लेना छोड़ना। जिनको साइड का रहता है, बैक पेन रहता है, ये सलभासन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है उनके लिए। कमर को, मेरुदंड को भी लचीला बनाता है, बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लंबा गहरा, आंखें बंद, दोनों हाथ सर के नीचे, आंखें बंद रखना, धीरे धीरे श्वास लेना है छोड़ना है, रिलैक्स। चलिए आप लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, टर्न एवरीवन, सुपाइन पोस्चर्स के कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। बैक साइड से लेट जाना, आसमान दिख रहा है ना सबको, फिर ठीक है, फिर आप सही दिशा में हो, आसमान दिखनी चाहिए सबको। कभी कभी इस तरह से लेटना भी बहुत अच्छा है। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश तत्व को अपने अंदर लेना हो, थोड़ी देर आकाश को देखो, ठीक है। पृथ्वी तत्व को लेना हो, खाली पैर जमीन पे चलो। कुछ कोर के एक्सरसाइज हैं, सबकी शिकायत रहती है कि सर हमें एब्स बनवा दीजिए, पेट है ना। दोनों हाथ कमर के बाजू में रखें, हथेली नीचे की तरफ, दोनों पैर को मिला लीजिए। अर्ध हलासन का अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाना है, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखिए, देन यू कैन फील द स्ट्रेचिंग इंटायर योर काफ, और काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, एवरीवन। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे सीधा ऊपर उठाएंगे, बैक बेंचर्स, सर धूप लग रही है। फाइव सेकेंड होल्ड, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली डाउन, धीरे धीरे पैर नीचे, अच्छी बात है, स्माइल होते रहनी चाहिए। हास्यासन हम लोग करेंगे अंतिम में, जस्ट वेट एंड वॉच। पैर नीचे, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, 1 फीट की दूरी, हिप पार्ट गैप इन बिटवीन द लेग, दोनों हाथ एड़ी के पास, सेतु बंध आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग, ब्रीज पोज का अभ्यास। तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है। जिनको कमर दर्द रहता है, बैकेट रहता है, बहुत अच्छा अभ्यास उनके लिए, कमर उठाइए धीरे धीरे। एवरीवन नाउ, श्वास लेते हुए गर्दन नीचे, कमर उठाना है, 5 सेकेंड होल्ड एवरीवन, 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली स्लोली हिप डाउन। इस अभ्यास को हम पुनः दोहराएंगे एक बार फिर से, श्वास लेते हुए कमर को धीरे धीरे यथासंभव जितना आप उठा सकते हैं उठाएं, होल्ड करें 5 सेकेंड एवरीवन। नाउ स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली डाउन, रिलैक्स। आप धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग था तो 5 सेकेंड, आप धीरे धीरे इसको जब आप अभ्यास करेंगे आप रेगुलर, तो 5 सेकेंड, 15-20 तक आप इसको ले जा सकते हैं। पवन मुक्तासन, टाइटली हग योर नीज, दोनों घुटने को पकड़ लीजिए ऊपर से,
गर्दन नीचे रखना है, जब मैं कहूँ तभी गर्दन उठाएंगे। घुटने को छाती तक ले जाने का प्रयास कीजिए, साइड से पकड़ना है दोनों हाथों को। पहले घुटने को छाती तक ले जाइए, श्वास बाहर। अगर गर्दन में पेन नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो ही गर्दन उठाना। धीरे धीरे गर्दन को उठाना, फोरहेड को दोनों घुटनों के बीच लेकर जाना है, श्वास बाहर। धीरे से वापस नीचे, जैसे पवन मुक्तासन, रिलैक्स, लेग डाउन, लॉक डाउन। एक लास्ट अभ्यास, बैकेट के लिए भी बहुत ही उत्तम अभ्यास माना जाता है, वो है मरकट आसन। बंदर को देखा होगा आपने, मरकट उछल कूद करते रहता है, उनसे पूछना कभी कमर दर्द होता है क्या? नहीं होता, अब मिलेगा तो पूछेंगे, ठीक है। दोनों हाथ कंधे के बराबर, या जगह की दिक्कत हो तो गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों घुटना फोल्ड कीजिए, दोनों घुटना फोल्ड करना है, दोनों घुटना मिला लीजिए आपस में, सटा लीजिए, पैरों को सटा लेना है। दोनों हाथ चाहे तो गर्दन के नीचे या फिर स्ट्रेट हथेली नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर घुटना बाईं तरफ लेकर जाना और देखना दाईं तरफ, दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने कहने की तरफ। सभी लोग बाईं तरफ लेकर जाइए दोनों घुटने को, और आपके लंबर पे, लोअर बैक पे खिंचाव को फील करना है। अपोजिट देखिएगा, नी के अपोजिट साइड देखना है, श्वास छोड़ते हुए। फिर वापस आएंगे, श्वास लेना है, श्वास भरिए, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ लेकर जाए दोनों घुटना, देखना है बाएं हाथ को, श्वास बाहर। जितना हो सके नीचे ले जाने का प्रयास कीजिए घुटने को, मैट से टच कर दीजिए घुटने को, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर। चलिए वापस, अपनी क्षमता अनुसार करना है। पैर सीधा कर लेंगे, लेग स्ट्रेट। सबका सबसे प्रिय आसन शवासन। सर ये बहुत ही अच्छा आसन है, आंखें बंद कर लेना है थोड़ी देर, हथेली पलट लीजिए, दोनों हाथ कमर के बाजू में, आंखें बंद रखनी है थोड़ी देर, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। आपके शरीर में कोई खिंचाव कोई तनाव नहीं, पैर को सीधा रखना है, थोड़ा सा अंतर रखें दोनों पैरों में, हथेली आसमान की तरफ खुली हो, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, कहीं कोई खिंचाव कोई तनाव तो नहीं, अगर है तो बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्थिर। मन को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए। आंखें बंद रखना, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। लंबा गहरा श्वास लेना, जस्ट फील द पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर। इनहेल पॉजिटिविटी इन एंड एक्सहेल नेगेटिविटी आउट। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। आंखें बंद रखेंगे,
Now move your leg. Aankhe band rakhna. Just move your hand. Close your leg. Rub your palm. Put on your face. Dono hatheliyon ko rub karna hai. Gharsan kijiye, usma utpan kijiye. Aur halke se dono haathon ko hatheli ko chehre pe rakhein. फिंगर को इंटरलॉक करना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना, पूरे पैर को, हाथों को खींचाओ, पूरे शरीर में खींचाओ, फिर रिलैक्स। बाईं करवट लेकर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, बाईं करवट लेकर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ऑल इज गुड, रिलैक्स, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, दिखनी चाहिए। यस, अब हम कुछ प्राणायाम की विधि जानेंगे। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। अगर उच्च रक्तचाप है तो इसको नहीं करना, सिर्फ स्लो ब्रीदिंग करना। हर्निया इशू है तो नहीं करना, ठीक है। बाकी सभी लोग कपालभाति का अभ्यास, थोड़ा अभ्यास, 20 स्ट्रोक्स। अगर धूप लग रही है तो थोड़ा सा आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप गर्मी है। कपालभाति का अभ्यास धीरे धीरे करना है। स्ट्रोक्स 20 स्ट्रोक्स फर्स्ट, दोनों हाथ नी पे। सभी लोग स्टार्ट करना है, सिर्फ 20 स्ट्रोक करेंगे। आँखें बंद कर लीजिए। एक्सलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, इनहेलेशन इज ए पैसिव। आपको श्वास छोड़ने के लिए एफर्ट लगाना होता है इसमें, श्वास लेने के लिए नहीं। धीरे धीरे भी इस तरह से अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स, रिलैक्स। नारी शोधन, अनुलोम विलोम जिसको हम कहते हैं, सभी लोग करना है। सब पर्ण मुद्रा, अपने राइट हैंड का यूज करना है, थंब एंड रिंग फिंगर का। राइट हैंड, एवरीवन यूज द राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए, चिन मुद्रा में, घुटने पे। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्टल से श्वास अंदर खींचना और राइट से बाहर, राइट से फिर अंदर। जिससे हम श्वास छोड़ेंगे उसी से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। पीठ से जोर जोर से। थर्ड मिस्टेक, आपकी गर्दन भी झुक जाती है, गर्दन सीधा रखना होता है। नॉइजलेस ब्रेथ, हमेशा ध्यान रखिए नॉइजलेस ब्रेथ। कंटिन्यू कुछ देर और इसका अभ्यास। आंखें बंद रखना है, कॉमन शिकायत रहता है कि सर कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते हैं ब्रेथ पे, तो क्या करें? तो आप ब्रेथ को काउंट कर सकते हैं मन ही मन। जितनी देर आप श्वास लें उतनी देर श्वास छोड़ें। वैसे तो कई रेशियो होते हैं श्वास लेने और छोड़ने का, बट बिगनर्स लेवल पे आप जितनी देर श्वास लें उतनी देर श्वास छोड़ें। ठीक है, धीरे धीरे आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है। लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग और फील इच एंड एवरी ब्रेथ।
Feel each and every breath inside your body. Nose to navel center and navel center to nose. नाक से लेकर पेट तक और पेट से लेकर नाक तक ब्रेथ को महसूस करना। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका शरीर भी स्थिर हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है और धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लेंगे। कंप्लीट योर साइकिल एंड ड्रॉप योर हैंड, हाथ नीचे। अगर आप लंबे समय तक आंखें बंद रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, हथेली को सबसे पहले रब करें, फेस पे लगाएं, फिर वापस आएं। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है शीतली प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम। इसका कुछ कंट्राडिक्शंस हैं कि आप ठंड के दिनों में मत करो, जिनको लो बीपी है वो मत करें, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, एंजाइटी है बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कूलिंग प्राणायाम, तो अपने जीभ को बाहर निकालना और रोल करना, गोल बनाना है, सर्कल, और जीव के माध्यम से आपको श्वास अंदर खींचना है। आपको फील होगा कि कुछ ठंडक, ठंड हवाएं जो है हमारे अंदर जा रही है। धीरे धीरे श्वास खींचना जीभ के माध्यम से, मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ना है। और फिर नाक से श्वास तक काकी मुद्रा, इस काकी मुद्रा में जीभ को निकाल कर करना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ये गर्मी के दिनों में जरूर करना चाहिए इसका अभ्यास। कहते हैं आप इसका अभ्यास करने से भूख प्यास पे भी आप नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, सर बिना खाए रह लेते हैं हम लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए आप अगर प्यास लगी है आप कर लो शीतली, कुछ पल के लिए आपको प्यास से राहत मिल जाएगा, कुछ समय के लिए। कंटिन्यू, दोबारा और करना है इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास बाहर, रिलैक्स। आज अंतिम अभ्यास है प्राणायाम का, वो है भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग साउंड फील करना है। कान को बंद कीजिए, जैसे सन्मुखी मुद्रा, चश्मा उतार लें अगर पहने हैं तो। कान को बंद करना, कान के अंदर उंगली नहीं डालना है। मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ मैं कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं, ये जो बाहर निकला हुआ भाग है ना, ट्रैगस जिसको कहते हैं, उसको बस हल्के से अंदर की तरफ दबाना है और बाकी की चार उंगलियाँ हल्के से चेहरे पर रखना। तीन बार इसका अभ्यास, लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद करके करना।
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, दोनों हथेली को घर्षण करें, रब योर पाम एंड पुट ऑन योर फेस। हाथों को हथेलियों को चेहरों पर रखें एंड दोनों हाथों को धीरे धीरे पूरे शरीर पर फेरते हुए वापस। सभी को प्रणाम, नमस्कार, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू। कल 6:30 से 7:30 बजे तक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सभी प्रतिभागी यथास्थान अपने स्थान पर बने रहें अल्पाहार के लिए। पिक्चर अभी ये आपका सिर आ रहा है ना।